मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज की बड़ी खबर, एस्टेट 2023 रिजल्ट जारी होने की अफवाह तो आपने सुनी होगी, पर उस अफवाह के बीच में सच्चाई ये है कि सभी विषय की आंसर की जारी हुई है, और आंसर की जारी होने का जो बड़ा सबूत है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं बड़ा लेटर है। इस लेटर में आंसर की जारी होने के बाद ये बात साफ की गई है कि अभ्यर्थी अब आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति कैसे करना है, कितनी फीस लगेगी और 20 तारीख तक ये आपत्ति आप कैसे करेंगे, इस संबंध में इस लेटर में विस्तृत जानकारी है। इस लेटर का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उपलब्ध करा रखा है, आप डाउनलोड करके इस लेटर को पढ़ सकते हैं कि कैसे आप आपत्ति करेंगे। और एस्टेट 2023 का रिजल्ट 28 से 29 सितंबर तक आने की संभावना, उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये सब देख के प्रतीत हो रहा है। ऐसे में इस लेटर से कुछ क्षण पहले ही कई प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने यह अफवाह फैलाई कि रिजल्ट जारी होने वाला है। हमने भी इसे पोस्ट किया है कि रिजल्ट जारी होने वाला है, पर अभी अभी ये प्राप्त सूचना है, आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, आपत्ति लिया जाएगा, आपत्ति के बाद, आपत्ति के निराकरण के बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा। आपको हम बता दें कि कई तरह की त्रुटियां प्रश्न पत्रों में भी है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि 28 से 29 सितंबर के बीच में रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटर की परीक्षा जो कि मुजफ्फरपुर खबरा का सेंटर था, जिसकी परीक्षा हुई पहले आपत्ति, आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की, इसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित हो पाएगा। अब देखना यह है कि कब तक ये पूरी प्रक्रिया BSEB पटना द्वारा संपन्न कराई जाती है। अब हम आपको सपने की दुनिया में ले चलते हैं। जी हम बेरोजगारों को तो झूठा सपना दिखाया गया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, पर नेताओं को क्या सपना आता है, सुनिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से भगवान ने गुहार लगाई कि उन्हें बचा लिया जाए। आम इंसान भगवान से गुहार लगाता है मुसीबत में कि हमें बचाओ, पर अब भगवान ही मंत्री से खुद को बचाने को कह रहे हैं। हम तो कहते थे ना कि अब भगवान मालिक है, पर अब भगवान नहीं मंत्री जी मालिक है। वो भगवान जी, राम जी सपना दिए। बिहार के विवादित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सपने में दिखे राम जी। चाचा नीतीश कुमार के बड़े भतीजे और तेज प्रताप यादव को सपने में वसुदेव दिखाई देते। लाल प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के सपने में आए भगवान वासुदेव। तेज प्रताप यादव ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है और ट्वीट करके लिखा, विश्व रूप दर्शन। भाई अजब तमाशा है, बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का झूठा सपना दिखाने वालों को भगवान सपने में दर्शन दे रहे हैं। हे भगवान, हे ऊपर वाले, जब तुम इन मंत्रियों के सपनों में आते हो तो कम से कम हमारे सपने में तुम नहीं तो कम से कम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का जो झूठा वादा किया था उसका झूठा सपना तो दिखाओ। तेजस्वी यादव से सपने में ही सही नियुक्ति पत्र तो दिलवाओ। हमको भगवान जी, राम जी सपना दिए। हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो, और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र लाते हैं। इन जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, आप फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं, इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर वर्षा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको, हमको ही ठग रहा, हमको ही बाजार में बेच रहा, तो जरा अगर बाजारों लोगों से हमको बचा लो। सुनकर बहुत दुख हुआ, भगवान ने मंत्री जी से कहा कि मुझे बचा लो। अरे भगवान, तुम्हारे सामने डेली अगरबत्ती जलाता हूँ, डेली माथा पीटता हूँ, डेली हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, पर कभी तुम मेरे सपने में नहीं आते। अरे मेरे सपने में नहीं आओ, कम से कम मंत्री जी के सपने में आकर ये तो कह के जाओ कि नियुक्ति पत्र बांट दे। भगवान भी इन नेता मंत्री और अधिकारियों जैसा निष्ठुर हो गया है। सोचो, 5 साल से बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी भगवान के सामने रोज लाखों अगरबत्तियां जलाते हैं, क्योंकि लाखों बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं। लाखों अगरबत्तियां जलाने के बाद भी भगवान सपने में आकर कहते क्या है मंत्री जी से कि मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता था कि भगवान इतना कमजोर है। हे भगवान, अब तुम्हें तो मंत्री जी बचा ही लेंगे, क्योंकि इनके नेता उप मुख्यमंत्री हैं और वो अपने चचा मुख्यमंत्री से कह के तुम्हें Z+ सुरक्षा दिलवा ही देंगे। पर हम बेरोजगारों का क्या होगा, जिसका भरोसा एक तुम ही थे, पर अब तुम तो मंत्री जी के सपने में आकर खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हो। जो भी बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, अब समझ जाओ कि अब भगवान का भी भरोसा नहीं है। ये बिहार है, यहाँ पर भगवान पर भी भरोसा करना बेकार है, क्योंकि मंत्री जी के सपने में भगवान आते हैं और खुद को बचाने की गुहार लगाते हैं। इससे पहले तो तेजू भैया के मुँह से सिर्फ ये सुनते थे कि भगवान उनके सपने में आए हैं, नेताजी उनके सपने में आए हैं, पर आज ये सुनकर भी आश्चर्य हुआ कि भगवान ने खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई, वो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से। सुन लीजिए, पूर्व के दिनों में आपके तेजू भैया ने एक इंटरव्यू दिया था, उनके सपने में नेताजी भी आए। नेताजी हमारे सपने में आए, उन्होंने जब मैं
और नेताजी हमारे सपने में आए। उन्होंने जब मैं सपने ही जा रहा था वृंदावन, वृंदावन जाते समय मैंने नेताजी को देखा सपने में। उसके बाद इन सब नौटंकी और ड्रामों को देख करके आहत हूँ और मेरा दिल ये कहता है कि एक सपना मुझे भी आए जिस सपने में बिहार भूख भ्रष्टाचार और ऐसी नौटंकियों से दूर हो जाए। भले मुझे ना मिले ताजमहल, सूखी रोटी के साथ ही खुशहाल जिंदगी उस सपने में हम बिताएं। क्योंकि हकीकत में जब आँख खुलती है तो ऐसी नौटंकियों को देखने के बाद दिल और आत्मा दोनों रोता है।